गाइस अभी आप मेरा माइनक्राफ्ट देखो ये कैसा लग रहा है, देख लिया? और अब देखो शेडर लगाने के बाद अब लग रहा है ना कूल। ये वाला शेडर मुझे पता है आपको भी चाहिए था, तो मैं ले आया हूँ ये शेडर कैसे डाउनलोड करें। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को पूरी देखना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि शेडर कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अपने प्ले स्टोर में आना है, प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है एडन्स। आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा, मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं सीधा ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ईवी शेडर। ईवी शेडर सर्च मारने के बाद आपको नीचे नीचे करना है, तो आपको ये वाला शेडर दिखेगा, इसमें लिखा भी हुआ है ईवी शेडर। यह आपको डाउनलोड करना है, मैंने इसको भी डाउनलोड कर रखा है पहले से, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपका माइनक्राफ्ट खुल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि माइनक्राफ्ट में करना क्या है। माइनक्राफ्ट ओपन होने के बाद आपको एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना है। नया वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद आपको नीचे नीचे यहाँ पे रिसोर्स पैक का ऑप्शन दिखेगा। आपको रिसोर्स पैक में दबा के माई पैक्स में दबा के आपको ईवी शेडर दिख जाएगा, इसको आपको एक्टिवेट करने लें। बस आपका काम हो चुका है, आपके शेडर्स लग जाएंगे। अब आप अपने शेडर्स इन्जॉय करो। मैं अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे शेडर्स लग चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।